नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में एंड गाइस आज हम आपके साथ साइकोलॉजी का सिक्सटीन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं काफ़ी अच्छी बात है पंद्रह चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं एकदम डिटेल में उनकी स्टडी की है आज का जो हमारा चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज जो हमारे पास कंसेप्ट है वो है लर्निंग तो से रिलेटेड थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन तो इससे रिलेटेड जो हमारे पास थ्योरी थी वो थॉक एंड डाई नदी थी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उन्होंने दिया था जो कि लर्निंग की थ्योरी थी हमारे पास वो हमें किसने दी थी थॉरन डाई ने उन्होंने लॉ ऑफ रेडीनेस लॉ ऑफ एक्सरसाइज लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ इफेक्ट में उन्होंने मल्ट मल्टीपल रिस्पॉन्स फिर सेट और एटीट्यूड प्री पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबल बाई एनालॉग एंड एसोशिव शिफ्टिंग इन टर्म्स को उन्होंने डिस्क्राइब किया था सो so, हम डायरेक्टली उसी थ्योरी के ऊपर चलेंगे बट थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं कि थिंकिंग एंड लर्निंग बेसिकली है क्या हमारे पास तो ये बेसिकली आपके पास लर्निंग इज़ नॉट जस्ट द नेम ऑफ और मेमोराइजिंग थिंग्स ऑन द गो यानी जो आपके पास लर्निंग है वो केवल चीज़ों को याद रखना या उनको पढ़ने से नहीं है बल्कि अपने बिहेव को चेंज करने से है ओके हम स्कूल्स में जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स जो है हमारे पास वर्क करती है ओके सो so, यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेजेस है तो यहाँ पे पियाजे ने आपको पता है फोर स्टेज दी थी कौन कौन सी स्टेज थी उसकी लर्निंग की फर्स्ट थी सेंसर मोटर जहाँ पर सेंसेस से सीखता है प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो है इन्होंने दी थी एंड इनको हम पहले ही पढ़ चुके हैं डिटेल में ओके okay, एंड इसके बाद हमारे पास आता है थिंकिंग इन चिल्ड्रन बच्चा किस तरह से सोचता है तो मैनिफेस्टेशन इमेजिनेशन कंसेप्ट एक्सपीरियंस इंटरेस्ट एंड इमिटेशन एंड लॉजिक एंड रीजनिंग ओके लॉजिक एंड रीजनिंग जिसमें आपके पास डिटक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग आती है तो चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिरकार इनमें क्या है तो मैनीफिटेशन में आपके पास क्या होगा भैन चिल्ड्रन एब्जॉर्व या ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन इन देयर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट दे इंक्रीज देयर नॉलेज एंड डेवलप देअर थिंकिंग मैनिफिटेशन में आपके पास बच्चा जो है अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट एंड जो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है उससे सीखता है एंड अपनी जो थिंग्स है अपनी जो उसकी नॉलेज है उसको इंक्रीज़ करता है इमेजिनेशन में क्या होगा इवन इफ सम पर्सन और ऑब्जेक्ट इज़ नॉट ऑब्जर्वेबल यानी कोई चीज़ ऑब्जर्वेबल नहीं है वो केवल सोच रहा है तो वो कोई काम करने के बारे में सोच रहा है पढ़ने के बारे में सोच रहा है तो इमेजिनेशन भी आपकी लर्निंग और डिसीजन को इंक्रीज करता है इन फ्यूचर बिहेवियर के लिए कंसेप्ट कंसेप्ट रिक्वायर हाई लेवल ऑफ थिंकिंग फॉर चिल्ड्रन कंसेप्ट को बनाने के लिए बच्चों को हाई लेवल की थिंकिंग की ज़रूरत होती है जस्ट लाइक लोकेशन वेट टाइम एंड डिस्टेंस तो ये टर्म होती है जो कि हम अगर हाई थिंकिंग करेंगे तभी हमें ये आएगी फिर एक्सपीरियंस होता है गुड एंड बैड जो कि हम डेली लाइफ में अब्जॉर्व करते हैं नेक्स्ट इंटरेस्ट एंड डिज़ायर इंटरेस्ट यानी आपकी रुचि किस चीज़ में है एंड आप क्या बनना चाहते हैं लाइफ में अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप में क्यूरिसिटी आती है एंड आपकी लर्निंग जो है इंक्रीज होती है इमिटेशन कि हम कोई चीज़ सीख रहे हैं और वो हमारे अंदर इमिटेट हो रही है भेन चिल्ड्रन ऑब्जर्व अदर थिंग्स सम एक्शन एंड द रिजल्ट ऑफ सच एक्शन दे ट्राई टू इमिटेट द सेम एंड इंक्रीज देयर पावर अकॉर्डिंगली ओके फिर हमारे पास लॉजिकल एंड रीजनिंग से रिलेटेड आता है तो लॉजिकल दिस इज द हाई लेवल ऑफ थिंकिंग एंड डेवलप एज द चिल्ड्रन चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होती है थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में जान लेते हैं डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है डिडक्टिव रीजनिंग को आपके पास टॉप डाउन लॉजिक कहते हैं एंड जो आपके पास इंडक्टिव होती है उसे बॉटम अप कहते हैं तो टॉप डाउन क्यों कहते हैं स्टार्ट विद द जर्नल स्टेटमेंट ऑल ग्रीन प्लांट नीड सनलाइट एंड द नेक्स्ट स्टेप रेड्यूज इन द दर्नल टू particular example दिस रोज बस इज ग्रीन प्लांट एंड फाइनली द चिल्ड्रन ड्रॉ द कंक्लूजन दस दिस रोज बस नीड्स सन लाइट यानि डिडक्टिव यानि सबसे पहले टॉप से चलेंगे डाउन की तरफ यानी yani, बच्चे को सबसे पहले ये बताएंगे कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं उन्हें सनलाइट की ज़रूरत होती है फिर उन्हें प्लाट्स का नाम बताएंगे और उन्हें कहेंगे कि ये जो है आपके पास इसको सन की जरूरत होती है यानी yani, जैसे ए से चले सी तक ओके okay, जो बी था बीच में उसको हमने नहीं बताया कि बी क्या है बाद में जब बच्चे को पता लग गया कि ए की ज़रूरत सी को है तो उन्होंने बाद में बता दिया कि ए से हमारे पास या बी को हमारे पास ए की जरूरत है एंड उसके पास इंडक्टिव आती है तो इंडक्टिव में क्या होगा हमारे पास इसे जो है इट इज़ अ रिवर्स ऑर्डर तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे हम डायरेक्टली बच्चे को पहले बता देंगे कि क्या है दिस मैटर स्टार्ट विद पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और ऑब्जर्वेशन एंड conclude with the generalize. however this may or may not be actual facial and uh, an instead is to statement my bicycle has a flat tire and my bicycle is a black in color this may lead the children is wrong conclude thus black color bicycle have flat tires inductive reasoning is rarely as good for deductive because it go from a limit experience to generalize क्योंकि जो आपके पास डिडक्टिव है वो हम डिड्यूस कर रहे हैं किसी चीज़ से बट जो इंडक्टिव है काफ़ी हेल्पफुल है हमारे पास क्योंकि जो आपके पास इंडक्टिव है आप थोड़े से भी इसको ईजिली समझ सकते हो तो इसको ज़रूर याद रखें इंडक्टिव कहाँ से कहाँ तक चलती है बॉटम अप टू लॉजिक एंड ये आपके पास टॉप डाउन से लॉजिक की तरफ चलती है जो डिडक्टिव है हम डिड्यूस कर रहे हैं किसी चीज़ से एंड इंडक्टिव में हम पैदा कर रहे हैं तो इंडक्टिव जो है काफ़ी अच्छी है आपके पास एंड स्टेप इनोवेशन के बच्चा किस तरह से स्टेप कर सकता है पेरेंट एंड टीचर मस्ट पे अटेंशन टू डेवलप द थिंकिंग कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन इट मे बी कमलिस बाय द मैथड डिफरेंट डिफरेंट मैथड से हमारे पास बच्चे को उसको मोटिवेट करना चाहिए उसे पूरे मौके देने चाहिए ताकि वो आगे जाकर कुछ कर सके तो अब चलते हैं थ्योरी के ऊपर जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो कि एस आर थ्यूरी से भी रिलेटेड है ट्रायल एंड एरर थ्योरी बेरियस एक्सपर्ट एस सुजेस्ट

के इन चीज़ों को जरूर याद रखिएगा एंड ही से दैट लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन फॉर्म मिडन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स और उनका क्या कहना था जो लर्निंग है आपके पास तो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के वजह से बनती है ओके okay? सो so, इसीलिए इसे एस आर थ्योरी भी कहा जाता है एस आर थ्योरी इज ट्रायल एंड एरर थ्योरी या स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी भी इन्हें कहा जाता है एस आर थ्योरी ओके okay? एंड रिस्पांस थ्योरी या ट्रायल एंड एरर थ्योरी एंड इन विच सर्टेन केम टू डोमेन्स ए सर्टेन डोमेन्सर्टेन रिस्पॉन्स केम फॉर डोमेन अदर ड्यू टू रिवार्ड थॉरेंडाई लॉ ऑफ लर्निंग गिवन बिलो लॉ ऑफ लर्निंग एस आर थ्योरी ट्रायल एंड एरर थ्योरी तो ये सारी की सारी एडवर्ड थॉरनडाई ने आपको दी थी ओके एंड इन्हें कॉनेक्टिविज्म भी कहा जाता है तो इन चीज़ों को जरूर याद रखिएगा सबसे पहले चलते हैं लॉ ऑफ रेडनेस लर्निंग टेक प्लेस भेन एन एक्शन

करवाई जा रही है अगर आप लर्निंग के लिए प्रिपेयर नहीं हैं आप नहीं सीखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे नहीं सीख पाएंगे फॉर इंस्टेंट यूजलेस या अनलेस अ प्रिपेयर हु वांट टू बिकम अ टाइपिस्ट प्रिपेयर बाय स्टार्टिंग लर्निंग टाइप एंड ही वुड नॉट मेक मच प्रोग्रेस ड्यू टू वर्क इन अ लेटरिक एंड अन प्रिपेयर मैनर जैसे कि अगर कोई टाइपिस्ट बनना चाहता है तो उसको सबसे पहले लर्निंग या स्टार्ट करना चाहिए टाइपिंग से यह आपके पास एग्जाम्पल है अगर वो आपके पास इसके लिए प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं है तो वो इसको नहीं सीख पाएगा तो लॉ ऑफ रेडीनेस आपको कहता है कि अगर आप ये आपके पास एक कोगनेटिव टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तभी आप सीख पाओगे अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप कितनी भी कोशिश कर लो आप उस चीज़ को नहीं सीख पाओगे लॉ ऑफ एक्सरसाइज आपके पास प्रैक्टिस के ऊपर आती है कि आप जितने ये हमारे मोटर स्किल्स से रिलेटेड है कि हम कितनी भी प्रैक्टिस कर लें तभी हमें कोई चीज़ जो है आएगी ट्रायल एंड एरर तो हम काम करेंगे गलती होगी हम दोबारा से काम करेंगे दोबारा से गलती होगी उनको हम इम्प्रूव करके अपने काम को इंक्रीज करेंगे फॉर एग्जाम्पल ड्रिल और प्रैक्टिस हेल्प इन इंक्रीजिंग एफिसंसी एंड ड्यूरिंग ऑफ लर्निंग ऑगनेशन या सॉरी कोनेक्टेड आर स्ट्रेंथन विद ट्रायल और प्रैक्टिस एज वेल एज बींग वीकनेस वेन ट्रायल और प्रैक्टिस इज डिसकोनेक्ट यानी अगर हम कंटिन्यूसली किसी काम को करते हैं तो हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मोटर कार ड्राइव करते हैं टाइपिंग करते हैं सिंगिंग करते हैं या मेमराइजिंग ओ पोइम ओके आपने देखा होगा जैसे किसी को पोइम याद नहीं होती क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस नहीं होती एंड कुछ ऐसे होंगे जिनको ऐसे ही याद रह जाती है तो उनमें प्रैक्टिस होती है वो डेली उसमें काम करते हैं ओके okay? हमारे पास नेक्स्ट आती है लॉ ऑफ इफेक्ट द ट्रायल और प्रैक्टिस लीड टू सेटिस्फाई गिवन कनेक्शन टू द लर्निंग अब जो ट्रायल है प्रैक्टिस है यानी जो आपके पास लॉ ऑफ एक्सरसाइज हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम लर्निंग के साथ जुड़े रहते हैं अ सेटिस्फाइंग स्टेट लीड्स टू कंसोलिडेट एंड स्ट्रेंथन ऑफ द कनेक्शन वेयर एज डिससेटिस्फाई अनोन्स और पेन लीड टू द बिग किंग ऑफ़ द कोनेक्शन दिस लॉ से दैट इफ़ रिस्पॉन्स सेटिस्फाई द चिल्ड्रन अब ये लॉ आपको बताता है कि जो रिस्पॉन्स है वह सेटिसफाई होगा अगर बच्चे को इट इज़ लर्न एंड सेलेक्टेड विद डिसफाइंग रिस्पॉन्स और एलिमिनेटिंग वी कैन ऑल्सो थे दैट द ग्रेटर द सेटिसफैक्शन स्ट्रॉगर विल भी द मोटिव ऑफ लर्निंग लॉ ऑफ इफेक्ट यानी जो आप चीज़ सीख रहे हो उसका आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है अगर उसका उसका आपके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा इट मीन लर्निंग जो है सही तरीके से हो रही है एंड बच्चा जो है उस लर्निंग को करने के लिए एकदम प्रॉपर वे में उसके ऊपर रिस्पॉन्स करेगा बीसाइड दिस थ्री लॉ बेस्ड ऑन थॉर्ट एंड रेफर टू फाइव सब ऑर्डिनेट लॉ विच फर्दर हेल्प टू एक्सप्लेन द लर्निंग प्रोसेस अब इन लॉ जो थ्री लॉज थे उनको इन्होंने फर्दर फाइव में क्लासीफाई किया है तो ये आपको मेन यहाँ पे अंडरस्टैंड हो जाएगा कि एक्चुअल में थिंग्स है कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है मल्टीपल रिस्पॉन्स द चाइल्ड बेरी और चेंज इट्स टिल अ अटेबल बिहेवियर इज फाउंड मल्टी या मल्टीपल रिस्पॉन्स आपको ये बताता है कि बच्चे का बिहेव जो चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू इस रिस्पॉन्सिबिलिटी या वो कौन सी सिचुएशन में रह रहा है सेट और एटीट्यूड लर्निंग इज़ मोर इफेक्टिव इन द चिल्ड चाइल्ड यान चाइल्ड इफ़ इट हैज़ एटीट्यूड टू लर्न मोर टू द एक्सल अब सेट और एटीट्यूड आपको बता रहा है कि जिस तरह हमने सबसे पहले देखा लॉ ऑफ रेडिनेस में भी देखा अगर बच्चा पढ़ने के लिए रेडी है तभी वो सीख पाएगा तो वो आपको सेट और एटीट्यूड बिहेव से रिलेशन बताता है कि अगर आपका बिहेव सही है पढ़ने के लिए तो आप पढ़ पाओगे अदरवाइज़ आप उसको याद नहीं कर पाओगे प्री पोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स तो द चाइल्ड रिएक्ट सेलेक्टिव To the importance or essential element in the situation and uh, neglect uh, the other feature or element which may be irrelevant or uh, not essential this is similar to the gestion uh, theory proposed by other education psychologist okay तो जो आपके पास जैसन थ्योरिस्ट है की थ्योरी से रिलेटेड है ये तो इसमें कहा गया है कि जैसे हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो जो सही चीज़ें हैं हमको बोही करनी है जो सिचुएशन उससे रिलेटेड है उसी के अंदर जाना है बाकी जो भी इ रिलेलिवेंट एंड नॉन एसेंशियल पार्ट है उसको हमें वहाँ से निगलेक्ट कर देना है जैसन थ्योरिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि इसका क्या मीनिंग होता है आपके पास जैसन का तो जैसन का आपके पास मीनिंग होता है द होल ओके यानी सारा का सारा एंड रिस्पॉन्स बाई एनालॉग द चाइल्ड यूटिलाइज एलिमेंट इन अ न्यू सिचुएशन विद सम कॉमन विद द पास्ट सिचुएशन रिस्पॉन्स बाई एनालॉग यानी बच्चा जो है अपने ओल्ड एक्सपीरियंस को न्यू एक्सपीरियंस में आके या अपनी जो उसकी पास्ट कंडीशन होती है उसको न्यू कंडीशन के साथ कंपेयर करता है एंड वहाँ से भी वो सीखता है या द चाइल्ड यूटिलाइज एलिमेंट्स यानी वो यूज़ करता है अपने एक्सपीरियंस को एंड एसोशिव शिफ्टिंग द चिल्ड्रेन विल गिव रिस्पॉन्स ऑफ विच विद सॉरी विच इट इज़ कैपेबल एसोशिएट विद एन अदर सिचुएशन टू विद ही इज़ सेंसिटिव ओके तो एसोशिएटिव सिस्टम या शिफ्टिंग आपके पास रिप्रेजेंट करती है रिस्पांस को जो कि बच्चे को दिया जाता है या चाइल्ड विल गिव रिस्पांस यानी बच्चा रिस्पांस दे रहा है एंड ऑफ विच इट इज़ कैपेबल जिसके लिए वो कैपेबल है एंड एशोशिएट विद एनी अदर सिचुएशन टू विच ही इज़ सेंसटिव यानी किसी काम को करने के लिए वो सेंसटिव है एक्टिव है तो उससे रिलेटेड जो है रिस्पॉन्स दे रहा है एंड नेक्स्ट हमारे पास आती है चिल्ड्रन फेलियर इन स्कूल कि बच्चा जो है क्यों स्कूल्स में फ़ेल हो जाता है तो हो सकता है वो स्कूल्स में डरता हो बोर्ड होता हो या कंफ्यूज है अदर मे बी ड्यू टू द पुअर इन इफेक्टिव टीचिंग मेथड यूज बाय द टीचर एंड यहाँ पे कुछ आपके पास टर्म्स हैं तो इनको आप यहाँ से इसका स्क्रीन शॉट लेके देख लीजिएगा क्योंकि ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो एंड यहाँ पे आपके पास कुछ टर्म्स इन्होंने एक्सप्लेन की है जैसे यहाँ पे आपके पास हो गया फियर सबसे पहला आता है फियर की डर की वजह से अगर बच्चा डरता होगा और टीचर से स्कूल में जाने से उसे डर लगता है या किसी अन्य चीज़ से उसे डर है तो वो अपनी नॉलेज को इतनी ईजिली एनहांस नहीं कर पाएगा इंक्रीज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है नेक्स्ट आता है बोर्डम या वन चिल्ड्रन आर स्मॉल दे डू नॉट अटेंड स्कूल एंड कैन एक्सप्लोर फ्रीली यानी बच्चा जब छोटा होता है तो वो स्कूल नहीं जाना चाहता है क्योंकि उसका इंटरेस्ट वहाँ पे नहीं होता है वो स्पेशली खेलना चाहता है अपने पीयर ग्रुप्स के साथ एंड इधर उधर घूमना चाहता है तो हो सकता है कि वो स्कूल में आकर काफ़ी टाइम बोर होता हो तो ये एक टर्म उसको रिप्रेजेंट करती है आपके पास फिर कन्फ्यूज़न आता है चाइल्ड मे बी कन्फ्यूज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टिक बिटवीन वट इज़ लर्न एट होम बिफोर ज्वाइनिंग स्कूल एंड वट इज़ टॉट इन द स्कूल जैसे वो घर में पहले पढ़ता था तो वहाँ पर कुछ और पढ़ाया जा रहा है एंड जब वो स्कूल जा रहा है तो वहाँ पर कुछ और पढ़ाया जा रहा है तो उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है उसमें पुअर टीचिंग स्ट्रैटर्जी तो ये तो आपको पता ही है क्या हो सकती है पुअर टीचिंग स्ट्रैटर्जी लैक ऑफ मोटिवेशन कि बच्चे का जो बैकग्राउंड है उसका जो एनवायरमेंट है वो सही नहीं है एंड एबसेंस ऑफ सोशल स्किल्स जैसे आपके पास यहाँ पे इन्होंने टर्म आपको बताई हुई है सोशल स्किल यानी समाज में कोई ना कोई कमी होगी उसमें जैसे टीसिंग हो गया बुलिंग हो गया लोनलीनेस हो गया बींग एस्ट्रेक्टेड एंड मैटरलिटी टू दर जेंडर तो ये सारे के सारे टर्म जो हैं आपके पास एबसेंस ऑफ तो इनको जरूर याद रखिएगा कि आखिरकार किसकी वजह से जो है लैक ऑफ लर्निंग हो सकती है एंड यहाँ पे थोड़ा सा आपके पास सोल्यूशन है टैकल एंड अवॉइड फेलियर के वो है इनोवेशन या इन इन्वॉलमेंट ऑफ पेरेंट्स कि जो पेरेंट्स है वो उसमें अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन दें स्किल डेवलपमेंट बच्चों के अंदर स्किल को इंक्रीज़ किया जाए कि उनके अंदर कौन सी स्किल है ताकि वो एक फ़ील्ड में तो आगे जा सकें इंक्रीज़ द मोटिवेशन कि बच्चों की मोटिवेशन को इंक्रीज़ करना चाहिए जिससे वो खुद पढ़ने के लिए जो है प्रोत्साहित हो सकें तो गैस बेसिकली ये एकदम कॉमन कॉमन टर्म है इनको ज़्यादा डिटेल में स्टडी करवाने का कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि आप इन सभी को डेली लाइफ में खुद ब खुद देखते हो क्वेश्चन टाइम आपके पास लॉ ऑफ एक्सरसाइज लॉ ऑफ इफेक्ट एंड आपके पास लॉ ऑफ रेडीनेस से पूछा जा सकता है इनकी टर्म्स जो हमने यहाँ पे आपके साथ स्टडी की एंड एस थ्योरी पूछा जा सकता है आपके पास कॉनेक्टिज्म से पूछा जा सकता है आपके पास लॉ ऑफ लर्निंग किसने दिया था इससे पूछा जा सकता है ट्रायल एंड एरर थ्योरी से पूछा जा सकता है या स्टिमुलस एंड रिस्पांस थ्योरी किसने दी थी इस चीज़ से आपके पास पूछा जा सकता है फिर आपके पास स्ट्रेंथन और वीकनेस बाई नेचर एंड फ्लुएंस यानी एस आर पेरिंग को भी यहाँ पे पूछा जा सकता है तो आप याद रखिए स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स यानी ट्रायल एंड एरर यानी लॉ ऑफ लर्निंग यानी कॉनेक्टिज्म एंड यहाँ पे एक और टर्म आपके पास है थी जेस्टल तो जेस्टल का आपके पास क्या मीनिंग होता है होल ओके okay? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाकी इसके बाद हमारे पास इसके क्वेश्चन आंसर हैं जो कि हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू हैव अ नाइस डे